वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 13, द लॉन्गेस्ट स्टेप फ्रॉम वर्कबुक। ओके, अंडरस्टैंड फिंगर। यहाँ पे देखिए, ये फिंगर से मेजर करना मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो फिंगर से कैसे मेजर करते हैं, ये कितने फिंगर है, 1 2 3, तो ये 3 फिंगर हो गए। और ये हैंड स्पैन, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मेजर होते हुए 1 हैंड स्पैन कहलाते हैं। और ये देखिए, ये आर्म है, उसको क्यूबिट भी बोल सकते हैं। जो ये है, ये एल्बो होता है, एल्बो से लेके यहाँ फिंगर तक के डिस्टेंस को 1 क्यूबिट या 1 आर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फुट। ये फुट स्पैन है, ये हील से लेके यहाँ टो तक के डिस्टेंस को 1 फुट स्पैन बोलते हैं। और ये 1 स्टेप, यहाँ से जब हम चलते हैं तो पीछे वाले पैर से लेके आगे वाले पैर तक को 1 स्टेप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्केल से मेजर करना। यहाँ पे देखिए, स्केल से जब हम मेजर करते हैं तो जो ऊपर वाले होते हैं वो इंच में होते हैं, और जो नीचे में लिखे रहते हैं, यहाँ पे सीएम लिखा रहता है, वो सेंटीमीटर कहलाता है। ठीक है, द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड द स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर। जो बिगर यूनिट होती है उसे हम किलोमीटर बोलते हैं, लेंथ की बिगर यूनिट को किलोमीटर बोला जाता है, और जो छोटी यूनिट होती है उसे सेंटीमीटर कहा जाता है। ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। इन शॉर्ट फॉर्म सेंटीमीटर इज रिटन एज cm। सेंटीमीटर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, cm। और मीटर इज रिटन एज m, मीटर को शॉर्ट में m लिखते हैं। एंड किलोमीटर इज रिटन एज km, और किलोमीटर को शॉर्ट में km लिखते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज राइट बाय मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये स्केल बना हुआ है और स्केल से मेजर किया हुआ है, सेंटीमीटर में मेजर करना है। ये देखिए, ये मैस स्टिक है, मैस स्टिक को यहाँ जीरो पे रखा गया, तो वो कितनी लंबी है वो देखिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के पास वो यहाँ पे आया। हाँ, यहाँ पे पहले जीरो पे रखा और उसकी लेंथ कितनी आई, तो 4 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो ऐसे आपको मेजर करना है सेंटीमीटर में। फर्स्ट नंबर पे है लेंथ ऑफ ए पेन, तो पेन के लेंथ लिखने हैं आपको सेंटीमीटर में। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट करने हैं और लिखने हैं। अप्रोक्सीमेट मीन्स लगभग जैसा कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, कभी बड़ा भी होता है पेन और कभी छोटा भी हो सकता है, तो हमेशा अलग अलग मेजरमेंट आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 14 लिखा है। आप लोग कुछ अलग भी लिख सकते हो। आप लेंथ ऑफ ए कैंडल 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बुक 23 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए मोबाइल फोन 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बैट 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए स्टम्प 45 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कंपास बॉक्स 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज पुट राइट ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे 3-3 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, उसमें से जो राइट है उस पर आपको टिक करना है। हुज फिट विल बी द लॉन्गेस्ट, गोट, एलिफेंट और काउ। ठीक है, किसकी फिट लंबी होती है, सबसे लंबी होती है, तो यहाँ पे मैंने किस पे लगाया है, एलिफेंट पे। एलिफेंट की फिट सबसे लंबी होती है। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट कैन बी मेजर्ड बाय स्पैन, फिंगर एंड फिट। स्पैन से और फिंगर से और फिट से क्या मेजर किया जा सकता है, लेंथ, वेट या वॉल्यूम। तो लेंथ हम मेजर करते हैं, हाँ, लंबाई। व्हाट शुड बी यूज टू मेजर द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टेम्पल, फिंगर्स, स्पैंस, फिट। तो हाउस और टेम्पल के बीच की जो दूरी है वो हम कैसे मेजर करेंगे, किससे करेंगे, फिट से करेंगे। ओके, हम फिट स्पैन से करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना कैसे करते हैं, वंस
स्टेप से वैसे। फोर्थ पे है लिटिल गर्ल बबली, हर एल्डर ब्रदर बिट्टू एंड देयर मदर आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए बेड हुज स्पैन विल बी द स्मॉलेस्ट। लिटिल गर्ल बबली, छोटी लड़की बबली, उसका बड़ा भाई बिट्टू और उसकी मम्मी तीनों मिलकर बेड को की लंबाई माप रहे हैं। हाँ, तो किसकी सबसे छोटी होगी? हाँ, तो यहाँ पे जो लिटिल गर्ल है, छोटी है बबली, उसके स्पैन सबसे छोटे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे बबली पे आपको टिक करनी है। फिफ्थ नंबर है नमन, हिज फादर एंड हिज मदर मेजर द मोबाइल फोन बाय देयर फिंगर्स, हु विल टेक मोर फिंगर्स। नमन, उसके पापा और उसकी मम्मी मोबाइल फोन को मेजर कर रहे हैं फिंगर से, तो किसकी फिंगर्स ज्यादा लगेगी? नमन, नमन्स फादर और नमन्स मदर, तो नमन की फिंगर सबसे छोटी रहेगी, इसलिए नमन टेक मोर फिंगर्स, नमन के ज्यादा फिंगर्स लगेंगे। ओके, तो नमन पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट है मेजर द ऑब्जेक्ट विथ ए मेजरिंग स्केल गिवन बिलो एंड राइट द मेजरमेंट। ओके, पिलो, पिलो मीन्स तकिया, तो तकिया कितने सेंटीमीटर का है, होता है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 32 लिखा, ये भी आपको अप्रोक्सीमेट मेजर करके लिख देना है। पिंसर्स मीन्स होता है चिमटा, तो 25 सेंटीमीटर। टोंग्स होता है जो हम लोग किसी चीज़ को जब रेस्टोरेंट ये सब जाते हैं तो वो आपको सर्व करता है, उसे पकड़ के उसको टोंग्स बोलते हैं। वन टाइप ऑफ चिमटा ही होता है वो, 18 सेंटीमीटर। ब्रूम मीन्स झाड़ू 100 सेंटीमीटर। ऑयल कैन, जिसमें हम ऑयल रखते हैं, वो 30 सेंटीमीटर। ओके, कुशन इज 24 सेंटीमीटर। रोलिंग पिन 23 सेंटीमीटर। पैंट 100 सेंटीमीटर। फोटो फ्रेम 12 सेंटीमीटर। कॉम्ब 13 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग सम। अभी देखिए, एट 67 मीटर इन 54 मीटर, ये दोनों को आपको ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर और नीचे लिख देंगे 67 मीटर प्लस 54 मीटर। अब उसको ऐड करना है, ऐड मीन्स ऐसे ऐड की साइन बनानी है और आपको प्लस करना है। 7 प्लस 4 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 11। ठीक है, तो 11 यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी डालेंगे। ओके, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12। ठीक है, तो 121 मीटर। हाँ, यूनिट लिखना है आपको, क्योंकि यूनिट यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो आपको 121 मीटर लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 39 सेंटीमीटर फ्रॉम 81 सेंटीमीटर, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये जो बड़ी वाली है 39 सेंटीमीटर और 81, ये दोनों में बिग कौन है और स्मॉल कौन है, जो बिग नंबर है वो पहले लिखना है आपको, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर में बिग नंबर लिखते हैं। ओके, तो 81 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे और 39 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे। अब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 स्मॉल नंबर है और 9 बिग नंबर है, तो स्मॉल नंबर अगर ऊपर रहता है तो क्या करते हैं, हम बोरो लेते हैं। तो अगर हम इधर से बोरो लेंगे तो उसको 10 प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये कट होके 7 बन जाएगा। ओके, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, तो 42 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज गेट द एप्रोक्सीमेट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ठीक है, आपको ये मेजर करना है, अप्रोक्सीमेट मेजर करना है, यानी लगभग मेजर करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, बटरफ्लाई है, एंड ये क्या है, फ्लावर है, देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्पैन्स इन द डिस्टेंस ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द फ्लावर। कितने स्पैन का डिस्टेंस है बटरफ्लाई और फ्लावर के बीच में? यहाँ देखिए, फ्लावर यहाँ है और बटरफ्लाई यहाँ पे है, तो आपको आपके स्पैन से डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो आपके 1 स्पैन आएंगे ना,
मेरे तो बड़े हैं तो आपके छोटे हैं तो आपके वन स्पैन आएंगे ऐसे आपको। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, वन, ठीक है, वन स्पैन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेंसिल्स इज द डिस्टेंस ऑफ फ्लावर फ्रॉम द बटरफ्लाई। अभी शुरू में स्पैन से मेजर करने के लिए बोला गया है और सेकंड में पेंसिल से मेजर करने के लिए बोला गया है, तो हम पेंसिल से मेजर करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास जो पेंसिल है उससे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक, हाँ थोड़ी बड़ी है बट वन पेंसिल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वन लिख देना है, ठीक है। हाउ मेनी मैस्टिक इज द डिस्टेंस ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द फ्लावर। अभी बटरफ्लाई से फ्लावर तक के कितने मैस्टिक से डिस्टेंस को मेजर करना है, तो आप मैस्टिक अगर आप रखोगे तो फोर मैस्टिक होंगे, हाँ यहाँ से यहाँ तक के एक मैस्टिक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के टू मैस्टिक आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के थ्री मैस्टिक आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक के फोर मैस्टिक आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, फोर, यहाँ से यहाँ वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो फोर मैस्टिक हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इज मेजर द ऑब्जेक्ट विथ फिंगर एंड स्पैन गिवेन बिलो एंड नोट इट डाउन इन द टेबल, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। यहाँ पे देखिए ये टेबल बनी हुई है, ऑब्जेक्ट फिंगर एंड स्पैन, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको फिंगर में मेजर करना है और स्पैन में भी मेजर करके लिखना है, कैंडल, ठीक है। अगर हम कैंडल को मेजर करेंगे फिंगर से करेंगे तो 10 फिंगर्स होगा और स्पैन में करेंगे तो 1 स्पैन आएगा, ठीक है, 1 स्पैन इक्वल टू 10 फिंगर्स हो गए। अभी यहाँ स्टिक देखिए, स्टिक 20 फिंगर एंड स्पैन में करेंगे तो 2 स्पैन आएगा, ठीक है। अभी बैट, बैट को अगर हम फिंगर से करेंगे तो 50 फिंगर्स आ जाएंगे, ठीक है, और स्पैन में करेंगे तो 5। रैकेट, रैकेट यानी बैडमिंटन के जो रैकेट होते हैं ना वो, ठीक है, तो 40 फिंगर्स आएंगे, ओके, और स्पैन में करेंगे तो 4 स्पैन। स्पून, स्पून मीन्स चम्मच, 10 फिंगर्स एंड 1 स्पैन, ओके। तो ऐसे अभी क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज द लॉन्गेस्ट, अभी ये टेबल में से कौन सा सबसे लंबा है, तो जिसके ज़्यादा फिंगर्स और ज़्यादा स्पैन है वो सबसे लंबा है, तो यहाँ 5 स्पैन है और 50 फिंगर्स है, ये बैट, ठीक है, कौन सा सबसे लंबा है, बैट। विच ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट, कौन सबसे छोटा है, अभी देखिए कैंडल और फिंगर दोनों के मेजरमेंट एक ही है, हाँ 10 फिंगर 1 स्पैन, इसमें भी 10 फिंगर्स 1 स्पैन, कैंडल और स्पून दोनों के नेम लिख दिए हमने, ठीक है, ये दोनों शॉर्टेस्ट है। ओके, हियर आवर चैप्टर हैज कंप्लीटेड, सो स्टूडेंट्स राइट एंड लर्न इट, गुड बाय।